जनपद शाहजहांपुर में एक दबंग सिपाही का वीडियो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में सिपाही द्वारा कोचिंग जाने वाली छात्राओं से अभद्रता एवं राहगीरों को डंडा लेकर शराब के नशे में भड़काने व पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले का संज्ञान में लेकर छात्रा के पिता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर उपरोक्त सिपाही के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और संबंधित सिपाही के विरुद्ध मुकदमे की जांच करवाकर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की बात पुलिस अधीक्षक द्वारा कही गई। मुंबई की दबंगई जनपद में पुलिस की दबंगई जनपद में आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां जनपद के अलालगंज थाना क्षेत्र के मुकेश नाम का सिपाही थाने में तैनात है, जो क्षेत्र में अक्सर चर्चाओं में रहता है। उसकी दबंगई की हद तो तब हो गई जब सादी वर्दी में दबंग सिपाही शराब के नशे में धुत होकर कोचिंग जा रही छात्राओं को हड़काने मारने पीटने पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब अन्य राहगीरों को भी अपनी दबंगई के बल पर लड़के ने वह मारने पीटने के साथ ही गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिर क्या था, संबंधित थाने में छात्रा के पिता द्वारा तहरीर दी गई। पुलिस अधीक्षक ने घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिस कर्मी मुकेश को निलंबित करते हुए छात्रा के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर सीओ पुवाया को जांच सौंपी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगन क्षेत्र में एक पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ मामला है पूरा? ये आरक्षी है मुकेश कुमार, ये 112 में तैनात है वहाँ अल्लागंज क्षेत्र में। इसका एक वीडियो कल वायरल हुआ था जिसमें उसके द्वारा कुछ लोगों से बदसलूकी करते हुए दिखाया गया शराब के नशे में। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल इंस्पेक्टर अल्लागंज को बताया गया, उसकी मेडिकल कराई गई। SPRA ने इसका संज्ञान लिया और तत्काल इसका मेडिकल कराया गया और उसमें अल्कोहल पाया भी गया और इसके इस कृत्य के आधार पर इसको निलंबित कर दिया गया है और इसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। CO पुवाया इसकी जांच कर रहे हैं और उसके विरुद्ध वहाँ मुकदमा भी लिखवा दिया गया है। चूँकि एक कोचिंग की ही एक छात्रा थी जिसके अभिभावक द्वारा यह भी सूचना दी गई थी कि उसके साथ भी बदसलूकी की गई है, इस आधार पर उसके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत करा। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।